बादल एक बार फिर लंबी इनिंग्स खेलने को तैयार। मुल्क में बरसात का नया सिस्टम दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कामुकी, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, दीपालपुर में भी बारिश। शहर कायद में आज अब्र करम की नवीद। मुल्क भर के दीगर इलाकों में 48 घंटों के दौरान बादल बरसेंगे। कराची में अमन की सेंचुरी। क्राइम इंडेक्स में कराची समय नंबर पर आ गया। कराची खित्ते में काबुल, ढाका और नई दिल्ली से ज्यादा पुर अमन हो गया। जराइम की शरह वाशिंगटन, बर्मिंगम और ब्रेडफर्ड से भी कम। 2014 में कराची जराइम के एतबार से दुनिया में छठे नंबर पर था। हज फॉर्म में तब्दीली के मामले की सेनेट में बाजगश्त। जफरुल हक ने कहा फॉर्म से खत्म नबूवत का हल्फनामा निकालने वाले को सामने लाया जाए। मुशाहिदुल्ला ने कहा कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। नूरुल हक कादरी बोले मैनुअल फॉर्म 14 सफहात का था जिसे कंप्यूटराइज्ड और दो हिस्सों में तकसीम किया गया। उनके इल्म में लाए बगैर हल्फनामा अलग किया गया। अगर किसी ने गफलत की तो ऐवान जो सजा तजवीज करेगा देंगे। नवाज शरीफ की लंदन में चेकअप के लिए रॉयल ब्रैम्पटन अस्पताल आमद। वालिदा और हमशीरा भी साथ थीं। उधर मुसद्दिक मलिक का कहना है नवाज शरीफ लंदन के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब ने खुद माना था कि नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल संगीन है। काबीना ने बाहर जाने की इजाज़त दी। दूसरी जानब फिरदौस आशिक अवान बोली खतरनाक बीमारियों का शिकार मरीज हस्पताल दाखिले के बजाय घर में हशाश बशाश है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, खुद को कोरोना से बचाएं। मोहलिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार छूने से गुरेज करें। गोश्त और अंडों को अच्छी तरह पकाने के बाद खाएं।